हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। और फ्रेंड्स, अभी है सुबह का टाइम 8:30-9 बजे का, और मुनिया की मम्मी अभी कुछ भी नहीं खा रही है बिल्कुल भी। इतनी दुबली हो गई है, कल तो उसने थोड़ा चारा भी खा लिया था, लेकिन आज तो बिल्कुल मतलब चारा भी नहीं खा रही और भूसा भी नहीं खा रही है, और इतनी ज़्यादा दुबली हो गई, आप खुद देख सकते हैं उसकी हालत। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, गौरी की हालत ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा दुबली हो गई है। और कल तो इसने चारा अच्छे से खा भी लिया था, भूसा नहीं खाया था, लेकिन आज तो इसने चारा भी नहीं खाया और भूसा भी नहीं खाया, और इतना चिल्ला रही है सुबह शाम, मतलब रात में भी बहुत चिल्लाती घूमती रही। फिर मैंने थोड़ा इसको खोल भी दिया था कि क्या पता 2-3 दिन से बंदी है तो इसको आदत नहीं है, हो सकता है इसलिए चिल्ला रही होगी। और यहाँ पर देखी मुनिया को, मुनिया भी बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, क्योंकि उसको आदत है 3 टाइम दूध पीने की, तो उसको 3 टाइम में 1 टाइम भी दूध नहीं मिल रहा सुबह दोपहर शाम। पिलाती थी मैं उसको जब भी गाय आती थी, लेकिन अब तो उसको 1 टाइम भी दूध नहीं मिल रहा, क्योंकि दूध बिल्कुल भी नहीं निकल रहा उसको। इतना परेशान करती है वो अपनी माँ को, गौरी को बहुत ज़्यादा, इतना सिर मारती है, लेकिन तब भी एक जरा सा भी दूध नहीं आ रहा उसको। और यहाँ और ये देखिए काना को मिल गई है वर्कशीट, अभी उसके पापा लेकर ही आए हुए हैं, तो वही देख रहा था कि वर्कशीट में क्या आया है और क्या नहीं, क्योंकि जो स्कूल में पढ़ाई होती है वो घर पर बच्चे नहीं कर पाते हैं। और ये देख रहा था कि मतलब मैथ हिंदी सभी सब्जेक्ट की मिली है उसको, उसको अभी कंप्लीट कर 1-2 दिन में दे कर आना है। तो बस अब खाना हो गया है करने के लिए तैयार। और मुनिया इतनी उदास है, आपने खुद देखा है, और डॉक्टर ने कहा है कि उसको 3 दिन तक असर रहता ही है, 3 दिन के बाद ही ये खाना सही से खाएगी, और 3 दिन के बाद ही मतलब थोड़ा बहुत दूध देगी, मतलब जो जितना पहले देती थी उतना तो बिल्कुल भी नहीं देगी डॉक्टर ने। हमने कल भी डॉक्टर से बात की थी कि मतलब ये खाना आज नहीं खा रही, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि खाना नहीं खा रही कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 3 दिन तक असर रहता, 3 दिन के बाद ही वो सही से खाना खाएगी जिस तरह से खाती थी, और 3 दिन ही के बाद वो दूध देगी, लेकिन दूध उस तरीके का नहीं देगी जिससे मतलब पहले जितना देती थी। लेकिन हमने कहा ठीक है, वो तो अच्छी हो जाए, दूध की इतना ज़रूरी नहीं है, मुनिया कोई पीती रहे वो ही बहुत है। और यहाँ पर देखिए ये काना अपनी वर्कशीट कंप्लीट करने लगा है, और रिया के शायद स्कूल भी खुलने वाले हैं 26 या 27 तारीख से, और रिचा के अभी नहीं खुलेंगे, और काना के तो अभी कोई वो भी नहीं है कि मतलब खुलेंगे, लेकिन रिया के खुलने वाले हैं 26 तारीख से, मैसेज आ गया उसका। और यहाँ पर फ्रेंड्स नींबू थे तो मैंने उनका रस निकाल लिया था, क्योंकि मिर्ची डालना था उसमें, और मैंने कि अब इनका क्या करूँ, और मैंने इंटरनेट पे देखा था कि इनका भी प्रयोग कर सकते हैं, तो वो ही मैंने नींबू डाल दिए, और रात को मैंने रीठा मंगा कर वो भी गला दिए थे। और यहाँ पर मेरा खाना बन चुका है, मैंने थोड़े से आलू के पराठे बनाए हुए थे, तो बस ये रखे हुए सामने खा लिए थे, 2-3 पराठे बचे थे तो वो ही रखे हैं। तो फिर इसके बाद मैंने सोचा कि ये उबलने के लिए रख दे रही, थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है, और उसमें नींबू के जो बचे हुए थे रस निकाले थे छिक्कल वो रखे हुए हैं, और थोड़े से मैंने रीठे डाल दिए हैं उबलने के लिए, और अब मैं थोड़ा सा इनमें पानी डाल दूँगी, और 2 या 3 सीटी में अच्छे से उबल जाते हैं, मतलब बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, तो बस मुझे 2 या 3 सीटी लगाना है। और ये बहुत अच्छे मतलब आप खुद देखिए बहुत अच्छी योग मतलब प्रयोग आते हैं, जब मैंने इनसे बर्तन साफ़ किया तो बहुत चमक गए थे बर्तन भी, और बहुत अच्छा मतलब यूजफुल वीडियो है, आप खुद देखिए। यहाँ पर मैंने 3 सीटी लगा दी हैं, और इनको मैं इस जार में निकाल दूँगी ये ठंडे होने के लिए। और जब तक मैं बर्तन साफ़ कर लूँ, क्योंकि अभी खाना के बर्तन भी रखे हुए हैं, तो बर्तन धो लूँ, और यहाँ पर ये ठंडे हो जाएंगे, कुकर खाली कर देती हूँ, कुकर भी साफ़ हो जाएगा।
और ये देखिए मैं वीडियो बंद कर गई थी और काना आ गया और काना ने वीडियो चालू कर ली है। इतना मस्ती करता है, इतना मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि मंदर ये किचन में क्या कर रहा है। और मैं बर्तन साफ कर रही थी और यहाँ आकर ये देखिए इसको अपना एक्सपेरिमेंट करने लगा है कि इसका क्या होना है और ये क्या चीज़ है। आप खुद देख सकते हैं, कोई भी मतलब इसको कोई भी मौका नहीं छोड़ता है अपनी हरकतों से। और ये अंदर वर्कशीट कर रहा था, बल्कि मैं आ गई थी किचन में अपना काम करने के लिए, खाना वगैरह खाने के। मैंने कहा वर्कशीट कंप्लीट कर लो और मैं बर्तन साफ कर लूँ, लेकिन बर्तन साफ कर रहे थे मैंने देखा भी नहीं। और ये किचन में आकर इनका नाटक देख लीजिए आप खुद। खुशबू ले रहा है इसके, और खुशबू आंवले की आप भी समझते हैं, रीठा की आप भी समझते हैं सॉरी, कि किस तरीके की आती है रीठा की खुशबू। और उबलने के बाद तो मतलब अजीब सी ही आती है थोड़ी। इतनी मस्ती करता है, इतनी बता नहीं सकते। देखिए दिखा रहा है आपको ये क्या मतलब, वो तो जब मैंने वीडियो एड कर रही थी तब देखा इसने क्या किया है, मुझे तो कुछ पता भी नहीं था। और बंद कर रख भी गया था वीडियो, मतलब मोबाइल वैसे ही लगा हुआ था रिपोर्ट में, मैंने देखा। तो अभी मैंने जब वीडियो एड कर रही हूँ तभी देखा कि कान आती है, वीडियो देखिए और यहाँ पर हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। बिल्कुल बारीक, ये देखिए नींबू और रीठा उबल चुके हैं अच्छे से, ठंडे हो गए हैं। और जितना भी उसमें पानी बचा हुआ था कुकर में, उसी को डाल के मैंने अच्छे से बारीक पीस लिया। ये देखिए मुझे, मेरे पास बड़ी छन्नी नहीं थी, टूट गई थी, तो फिर मैंने ये छोटी रखी हुई थी लोहे की, तो बस मैंने उसी से उसको छान लिया है। और इसमें जो बाद में जो थोड़ा सा कचरा रह जाता, मतलब जो बाद में उसके छिकल थे ना दाने, मतलब बीज वगैरह, तो वो ही निकालना है। ये देखिए अभी गाढ़ा पेस्ट है, इसको मैं और पतला कर लूँगी पानी डालकर। और बहुत अच्छी, मतलब इतना अच्छा साबुन बना था, आप खुद यूज कर देखना, बहुत अच्छा। और इतने बर्तन साफ हो गए थे इससे, चमक गए थे बिल्कुल, जितने मतलब विम बार से मांजते हो आप उतने बर्तन, उससे भी ज़्यादा बहुत अच्छे चमक गए थे ये। और आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ये देखिए इसका फैन भी बहुत अच्छा बन रहा था, और मैंने खुद स्वयं साफ किए बर्तन, बहुत अच्छे निकले हैं, चमक गए बिल्कुल एकदम। और यहीं पर करती हूँ मैं अपना वीडियो एंड। ये देखिए छानने के बाद इतना कचरा निकला इसमें।